अब हम स्टार्ट करते हैं नैनो सेंसर्स। ये लेटेस्ट सेंसर हैं, इनको आप बोल सकते हो कि ये उस चीज़ के लिए डेवलप किए गए हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल तक जाके ये कैसे काम कर सकते हैं। मीन्स अब हमारा हम बॉडी के बाहर ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अब हम बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं इन सेंसर्स के थ्रू कि हमारे सेल्स को भी कैसे ऑब्जर्व किया जाए, कि कैसे उनके उनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उनको कैसे चेक किया जाए। तो उसके लिए ये सेंसर्स डेवलप किए गए हैं, और इन सेंसर्स का जो साइज़ है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 to 100 नैनोमीटर साइज़ है। 100 नैनोमीटर मीन्स 0.1 माइक्रोमीटर हो गया, 0.1 माइक्रोमीटर। और जो ह्यूमन का हेयर होता है, हमारा हेयर है, तो उसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 80 to 100 माइक्रोमीटर, 80 से 100 माइक्रोमीटर है। और इसकी इसका जो सेंसर नैनोमीटर के अंदर है, या इसको मैं कह सकता हूँ 0.1 माइक्रो, इट मीन्स हमारे हेयर की थिकनेस से भी 1000 टाइम्स छोटा साइज है इसका, 1000 टाइम्स छोटा साइज है। तो ये नैनो सेंसर देखिए कि ये कैसे काम करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके। इसमें ये मॉलिक्यूल लेवल तक काम करता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जब हम बॉडी की बात करते हैं सेल लेवल तक ये वर्क करता है, सेल लेवल तक ये सेंस करता है चीज़ों को। अब देखिए आगे कि यहाँ ये जो चीज़ है ये दिखाया गया है एनवायरनमेंट, और उसके बाद क्या है कि हमने सेंसर्स दिखाए हैं, सिंपल सेंसर हैं, या इसमें जो आपके माइक्रो सेंसर हैं वो आ गए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके 10^-3, 10^-6 तक, इस रेंज तक ये चलते हैं। ठीक है, और जब हम नैनो सेंसर्स की बात करें, नैनो सेंसर्स कहाँ तक रहते हैं? नैनो सेंसर रहते हैं यहाँ आपके 10^-9। तो ये इनका ये कंपेरिजन दिखा रखा है साइज़ का, ये -9 की रेंज में, ये -3, 10^-6, और ये इधर 1 चला गया। तो ये इस रेंज के अंदर ये इनकी लेंथ रहती है। ये 1 का मतलब 1 मीटर मीन्स 1 मीटर लेंथ है, 1 मीन्स 1 मीटर लेंथ। और यहाँ 10^-3 का मतलब है 1 mm, और 10^-6 का मीनिंग है 1 माइक्रोमीटर। तो ये इस यहाँ कुछ साइज दिखाया, साइज में कंपेरिजन किया गया है जस्ट, और कुछ नहीं है यहाँ। अभी नैनो सेंसर के टाइप्स क्या हैं? नैनो सेंसर के टाइप्स के अंदर ऑप्टिकल सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, उसके बाद क्या है कि एम्बियंट लाइट सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर में दो टाइप के सेंसर आते हैं, एम्बियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बायोलॉजिकल सेंसर में एंटीबॉडी या एंटीजन इंट्रैक्शन क्या है, और उसके बाद डीएनए इंट्रैक्शन क्या है, उसके बाद एंजाइम से रिलेटेड है, एंजाइमेटिक इंट्रैक्शन क्या है, एंजाइम से रिलेटेड या डीएनए से रिलेटेड या एंटीबॉडीज या एंटीजन से रिलेटेड। ये आपने आजकल देखा होगा कि कोरोना के टेस्ट के लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो स्लाइड टेस्ट होता है, तो वो सेंसर कुछ इस टाइप के सेंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल सेंसर। केमिकल सेंसर में हम केमिकल कंपोजिशन को सेंस करते हैं, या मॉलिकुलर कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। फिजिकल सेंसर में क्या आ जाएगा? प्रेशर चेक किया जाता है, फोर्स चेक करते हैं, मास और डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। बायो नैनो सेंसर मीन्स बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस जो होते हैं उनके बेस पर सेंसर बनते हैं। बायोलॉजिकल देखो, दो टाइप के सेंसर हो सकते हैं नैनो सेंसर की जब बात करें। कुछ तो होते हैं केमिकल चेंज को सेंस करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंज को सेंस करते हैं। तो बायोलॉजिकल मेटल्स से जो सेंसर बनते हैं उनको हम बायो नैनो सेंसर बोलते हैं। जो नैनो सेंसर बनते हैं बायोलॉजिकल मेटल्स से, तो उसको हम बायो नैनो सेंसर बोलते हैं। वो बायोलॉजिकल क्या चीज़ हो सकते हैं? कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, कुछ फंगस भी हो सकती है, ठीक है, इस टाइप की ये चीज़ें होती हैं वहाँ। तो बायो सेंसर्स होंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा आगे? बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट्स होंगे, और वो किस चीज़ के ऊपर होंगे? मॉलिक्यूलर या सेल बेस्ड या टिश्यू बेस्ड, इनको सेंस, इन चीज़ के अंदर जाके सेंस करेंगे वो। तो बायोलॉजिकल सेंसर है, उसके बाद ये किस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या ये या तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक कर रहे हैं, या सेल लेवल पे कर रहे हैं, या टिश्यू के ऊपर बेस्ड है, टिश्यू लेवल पे चेक कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या
के अंदर हम ऑप्टिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। देखो सेंसर यूज़ करने के बाद आगे नेक्स्ट स्टेज ट्रांसड्यूसर क्यों दिखाई, क्योंकि जो इतने नैनो सेंसर होते हैं, इतने छोटे साइज के जो सेंसर होते हैं, उनका जो आउटपुट होती है वो आउटपुट बहुत वीक 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 आउटपुट होती है, ठीक है। और हो सकता है कि वो आउटपुट ऐसी हो कि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ना हो। तो उसके बाद हम ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं कि जो भी सेंसर की आउटपुट आई उसको हम ट्रांसड्यूसर की हेल्प से ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं कि वो हमारे आगे काम आ जाए, उसको हम आगे उस लेवल तक आ जाए कि आगे हम उसको प्रोसेस कर सकें। मीन्स अल्टीमेट अल्टीमेट टारगेट तो हमारा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना ही है। तो हो सकता है कि बायोलॉजिकल सेंसर हमारे ऐसे ना हो कि वो इस टाइप में सेंस करके दें कि आपको कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाए, डिजायर्ड लेवल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे रहेगा, फ्लोरोसेंस को चेक किया जाता है समटाइम्स कि जब वो एक्टिवेटेड नहीं है, जब उसने कुछ सेंस नहीं किया, तो वो फ्लोरोसेंस का मतलब समझ रहे होगा ना, चमकने वाली चीज़, कुछ चमकती है जैसे लाइट डालने पर चमकती है, पर्टिकुलर लाइट जो उसके ऊपर फॉल होती है तो उसमें शाइन आती है, फ्लोरोसेंट। आपने स्टिकर्स देखे होंगे उसके ऊपर क्या है कि जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो शाइन करेगा वो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि सेंसर कुछ इस टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे कि वैसे तो एक्टिवेटेड नहीं है, जब उस वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेंस नहीं कर रहा तो फ्लोरोसेंस बिहेवियर नहीं, फ्लोरोसेंट बिहेवियर नहीं है उसका। जब उसने वो कोई चीज़ ऑब्जर्व की, कोई चीज़ सेंस की, तो उसके अंदर फ्लोरोसेंस ही आ गई। इट मीन्स जब हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे, कंटिन्यूसली लाइट डालते रहेंगे, जब वो उसने चमकना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसने ऑब्जर्वेशन वहाँ से कोई चीज़ सेंस की, कोई पैरामीटर सेंस किया, ठीक है। उसके बाद है सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस, ये प्लाज्मा रिलेटेड रेजोनेंस है। और उसके बाद ये है एडजोर्बेंस, उससे रिलेटेड है एडजोर्बेंस या रिफ्लेक्टेंस, इन चीज़ों से के ऊपर भी बेस्ड हमारा प्रिंसिपल वर्क कर सकता है। फिर उसके बाद है पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक के अंदर सरफेस अकोस्टिक वेव भी हो सकती हैं या कैंटिलीवर रेजोनेंस भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड। और उसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रिक टाइप में आ गई। देखो यहाँ ऑप्टिकल में ये दिखाया था हमने, मैकेनिकल में ये दिखाया था हमने, और इलेक्ट्रिकल में ये दिखाया। ये सारे जो चीज़ें हैं वो ऑप्टिकल बेस्ड हैं, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैकेनिकल बेस्ड हैं, और ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रोकेमिकल आप कह सकते हो, तो इलेक्ट्रिकल बेस्ड हैं। इसमें एम्पेरोमेट्रिक आ जाता है, उस पोटेंशियोमेट्रिक आ जाता है, और इम्पेडीमेट्रिक आ जाता है, इम्पीडेंस रिलेटेड है। मीन्स ये इम्पेडीमीटर का मतलब इम्पीडेंस रिलेटेड है। तो ये इस टाइप में ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ये है, लेकिन उसके फर्दर उसके आगे हम इस तरीके से इनको डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से, डिफरेंट क्राइटेरिया लेके, डिफरेंट प्रिंसिपल लेके हम ये काम करवा सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन दिखा गया है कि ब्रेन किस तरीके से किसी चीज़ को सेंस करता है और कंप्यूटर किस तरीके से, मीन सेंसर का हेल्प लेके हम कैसे सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये सेंसरी रिसेप्टर हैं, मीन्स हमारी हमारी सेंसिंग एलिमेंट्स, हमारी आइज़ हैं, हमारे ईयर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद सेंसरी नर्व्स हैं जो सिग्नल को लेके ब्रेन तक जाते हैं। उसके बाद क्या है, ब्रेन है जो हमारा कंट्रोलर है आप कह सकते हो, या ब्रेन हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या है, सेंसरी सेंसिंग एलिमेंट है। उसके बाद ट्रांसड्यूसर है, मैं ट्रांसड्यूसर मैंने बताया था क्यों यूज़ होता है ट्रांसड्यूसर, यदि आपने सेंसिंग एलिमेंट ने प्रॉपर सिग्नल का कुछ लेवल नहीं दिया तो ट्रांसड्यूसर यूज़ होता है उसके बाद, ठीक है। मैंने ट्रांसड्यूसर क्या बताया था, जो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन कर सके, फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सके, या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को फिजिकल पैरामीटर में कन्वर्ट कर सके, या फिजिकल पैरामीटर को दूसरे फिजिकल पैरामीटर में कन्वर्ट कर सके। ये ट्रांजिस्टर की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। तो ट्रांजिस्टर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक लेवल आया सिग्नल का उसको दूसरे लेवल में चेंज कर रहे हैं, उसके या दूसरे अनालॉग सिग्नल मिला तो उसको किसी दूसरे लेवल में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, आगे अनालॉग सर्किट है, अनालॉग सर्किट, इस सर्किट ने क्या किया,
पूरा सिग्नल जो रिसीव हुआ, रिसीव होने वाले सिग्नल को इसने क्या किया, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और कंप्यूटर के पास भेज दिया। ये प्रोसेस चलता है यदि हम कंपेरिजन करें ह्यूमन बीइंग का और हमारे जो सेंसिंग सर्किट है, मीन्स सेंसर बेस्ड जो सर्किट्स हैं उन सिस्टम है, सॉरी सर्किट नहीं सिस्टम, तो उसको कंपेरिजन करें तो ये है इनका। अभी देखिए बायोसेंसर के अंदर क्या होता है, बायोसेंसर के अंदर एक पर्टिकुलर एनालाइट के लिए, एनालाइट मतलब जिसको आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक वहाँ बायोलॉजिकल मटेरियल होगा, और उसके बाद वहाँ फिजियोकेमिकल ट्रांसड्यूसर होगा। वो फिजियोकेमिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड होगा, या ऑप्टिकल बेस्ड होगा, या थर्मोमेट्रिक बेस्ड होगा, या पीजो इलेक्ट्रिक बेस्ड होगा, या मैग्नेटिक बेस्ड होगा, या माइक्रो मैकेनिकल बेस्ड होगा। इनमें से किसी भी बेस फिजिकल पैरामीटर को लेते हुए वो फिजियोकेमिकल ट्रांसड्यूसर होगा। उसके बाद क्या है, नैनो मटेरियल बेस या नैनो सेंसर्स की हम बात करते हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी और डिटेक्शन बहुत अच्छी होती है। मीन्स जब आप एक सेल लेवल पर में कोई मेजरमेंट करने जा रहे हैं, तो मीन्स सेल लेवल पर जो, या मॉलिक्यूल लेवल पर आप कुछ मेजरमेंट करने जा रहे हैं, इट मीन्स वहाँ जो एनर्जी की डीलिंग होगी वो बहुत छोटे लेवल पर डीलिंग होगी। और जब हम इसकी सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो पिको लेवल, पिको मीन्स 10^-12, और फेमटो लेवल, फेमटो लेवल का मतलब नैनो, नैनो तो आपको पता है, नैनो के बाद पिको आता है, पिको के बाद फेमटो आता है, ठीक है। फेमटो का मीनिंग क्या है, 10^15, और उसके बाद क्या है, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, जेप्टो, जेप्टो 21। तो ये यहाँ 10^12 से लेके 10^-21 तक। तो ये क्या हुआ, पिको का मीनिंग हुआ -12, -15, -18, और माइनस जेप्टो मीन्स -21। इस लेवल तक इनकी मेजरमेंट्स होती हैं, या मेजरमेंट्स नहीं कहूँगा मैं, सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है इस लेवल तक। और उसके बाद क्या है कि डिफरेंट बुक मार्कर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स विद ए फंक्शन इंडिकेटिंग फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक स्टेट, मीन्स कुछ बुक बायो मार्कर, वो मैं अभी बताऊंगा बायो मार्कर क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस होते हैं जो फिजियोलॉजिक या पैथोलॉजिक स्टेट शो करते हैं, उस स्टेट में चेंज शो करते हैं, या इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स के साथ, कौन से रिसेप्टर जो हमने बायोसेंसर के फॉर्म में लगाए हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत मीन्स इजी एग्जाम्पल ये है, स्ट्रिप टेस्ट होता है एक, जैसे ब्लड शुगर का स्ट्रिप टेस्ट होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, स्ट्रिप के ऊपर थोड़ा ब्लड ड्रॉप लगा देते हैं, वहाँ से क्या होगा कि उसको जैसे ही ब्लड आपने वहाँ लगाया, तो वहाँ कुछ एक पर्टिकुलर चेंज आएगा, मीन्स शुगर स्ट्रिप के अंदर कलर में चेंज आ जाएगा, तो वहाँ आपको ये पता लग जाएगा कि इसके शुगर लेवल प्रॉपर है या नहीं। और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल और भी है, प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप आती हैं, उसके अंदर क्या है कि जब उसमें ब्लड या यूरिन के अंदर उसको डिप किया जाता है, तो उसके अंदर पर्टिकुलर चेंज आता है स्ट्रिप के मार्क के अंदर, वहाँ कलर चेंज आता है। तो वो ये क्या है, बायो मार्कर्स हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिए, दो एग्जाम्पल दिए, ये इसमें बायो मार्कर्स हैं, तो इस तरीके से वर्क करते हैं। अब यह है कि बायो सेंसर का जो वर्क अभी मैं बता रहा था वो इसमें यहाँ भी दिखाया गया है। ये एनालाइट है, एनालाइट मतलब जिसको आप चेक करने वाले, जिसको आप सेंस करने वाले हो, और ये यहाँ पे बायो रिसेप्टर है। बायो रिसेप्टर के अंदर फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बायो रिसेप्टर के कलर में कुछ चेंज आएगा, बायो फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आएगा, जो भी रिसेप्टर होंगे। तो ये जो रिसेप्टर हैं ये एक तरीके से आपके सेंसर ही हैं। उसके बाद क्या है कि जब आपका ये जो जो भी सेंस चेंज आए यहाँ, ये चेंज रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, पहले ट्रांसड्यूसर में जाएंगे, ट्रांसड्यूसर में जाने के बाद फिर हम इसको कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाके इनका एनालिसिस करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, या हम आईओटी सिस्टम की बात करते हैं तो उस बेस पे जो डिसीजन होना होता है, वो उस बेस पे डिसीजन होके, डाटा प्रोसेसिंग में पढ़ा चुका आपको, तो उस बेस के ऊपर वो डिसीजन होके, जो भी डिसीजन हो वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्शन होती है जो भी उसका डिसीजन होगा। नैनो सेंसर में फिजिकल सेंसर भी आते हैं, फिजिकल सेंसर फोर्स को, एक्सेलरेशन को, फ्लो रेट को, मास को, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, इन सब को मेजर करते हैं, ये मेजर नहीं सेंस करते हैं ये। देखिए यहाँ एक सेंसर दिखा रखा है, फिजिकल सेंसर, वो किस फोर्स को सेंस करता है, 500 माइक्रो
न्यूटन, या मैं इसको हाफ मिली न्यूटन बोल सकता हूँ, हाफ मिली न्यूटन से 1 मिली न्यूटन तक ये फोर्स को सेंस करता है। उसके बाद है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन में क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, सिलिकॉन के बनते हैं, सिलिकॉन के बाद पॉलीमर्स, मेटल्स, सिरेमिक्स, इन चीज़ों का इनके फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। बेसिक प्रोसेस डिपोजिशन है, उसके बाद पैटर्निंग है, उसके बाद एचिंग है, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर आता है, VLSI डिज़ाइन के अंदर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि किसी भी तरीके से हम माइक्रो लेवल पर VLSI मतलब VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीन्स एक चिप के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर या कोई और चीज़ें आपको इम्प्लांट करनी है, उसके ऊपर फैब्रिकेट करनी है, तो वो ये माइक्रो लेवल का काम है, इसमें फैब्रिकेशन प्रोसेस है ये पूरा इसका। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, तो एप्लीकेशंस के अंदर फूड एनालिसिस, क्वालिटी एंड सेफ्टी। कुछ दिन पहले मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, तो ऐसे पैकिंग्स आ गई हैं जूस की कि जब तक उसमें जूस ठीक रहेगा, मीन्स उसकी क्वालिटी ठीक रहेगी, तब तक बाहर एक इंडिकेटर अलग कलर का होगा, और जैसे ही अंदर उसकी जूस की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो बाहर जो इंडिकेटर है, बाहर बॉक्स के बाहर जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये नैनो सेंसिंग बेस पर ही आते हैं। उसके बाद क्या है, फूड क्वालिटी की और भी बात कर सकते हैं, आपने फूड के साथ क्या है बायो बायो सेंसर्स डाल दिए फूड के साथ ही, और वो सेंसर जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो आप ये बता पाएंगे, ये सेंस कर पाएंगे कि जो आपने खाना खाया ये प्रॉपरली बॉडी के सब पार्ट्स तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। उसके बाद मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन के साथ भी यही है, कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि आपने मेडिसिन ली है और आप मेडिसिन बॉडी के किस किस पार्ट तक जा रही है वो चीज़ सेंस की जा सकती है। बायोमेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो जितना भी MRI CT स्कैन वगैरह उसके अंदर भी हम इस टाइप के सेंसर यूज़ करते हैं। और ड्रग डिस्कवरी के, जब कोई नई ड्रग का डिस्कवर किया जाता है तब वहाँ भी ये चीज़ें हेल्पफुल हैं। और डिफेंस के लिए ये तो बहुत इजी है, मीन्स हम अपनी बॉडी के अंदर हमारे, जब इनका साइज़ आपको बता दिया कि ह्यूमन हेयर के थिकनेस से भी बहुत कम है, तो आप अपनी बॉडी में इसको इम्प्लांट यदि कर सकते हो, ठीक है, तो इम्प्लांट यदि कर सकते हो तो सेंस करके आपकी, आपको सेंस करके ये कोई थ्रेट है, यदि सिक्योरिटी में कोई थ्रेट है, कोई इस टाइप के कोई मीन्स कहीं आपको डेंजर है, कहीं कोई थ्रेट है, तो वो चीज़ सेंस करके बता देगा। थ्रेट मीन्स मैं उस थ्रेट की बात नहीं कर रहा, कोई इंसान आपको धमकी दे रहा है, थ्रेट मीन्स आपके सामने कोई खतरा है तो उसको बता देगा। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, जैसे इसके अंदर क्या है कि आप एनिमल्स के अंदर ये चीज़ डाल दो और उसके बाद आप एनिमल्स को चेक करते रह सकते हो कि एनिमल्स की लोकेशन क्या है, एनिमल्स कहाँ कहाँ हैं। बच्चों के साथ भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर आजकल तो बॉडी के ऊपर वियरेबल आए हुए हैं, लेकिन मैं इससे आगे के स्टेज की बात कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दो, उसके बाद आपको पता रहेगा बेबी कहाँ गया कहाँ नहीं है, किस जगह पर है, किस आने वाला टाइम इस चीज़ का ही है। जो आजकल बहुत बड़ी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं बच्चों के साथ, चाइल्ड एब्यूजिंग के जो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो उस टाइप में, उस डायरेक्शन में काफ़ी काम हो रहा है और आपके पास भी काफ़ी स्कोप है कि आप उस डायरेक्शन में कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर उस चीज़ से आई होप एंड आई विश कि वो बहुत जल्दी हम इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है हमें। ये पेबल है, ये पेबल की फुल फॉर्म अभी बताऊंगा, लेकिन ये भी एक सेंसर है, नैनो सेंसर है, नैनो स्केल का सेंसर है। और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एक प्रोब के अंदर एनकैप्सुलेटेड होते हैं बायोलॉजिकली लोकलाइज्ड एम्बेडिंग, ठीक है, मीन्स एक प्रोब के अंदर वो चीज़ डाल देते हैं, क्या चीज़, सेंसिंग डाई। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रॉब एनकैप्सुलेटेड बाय बायोलॉजिकली लोकलाइज्ड एम्बेडिंग, ये पेबल की फुल फॉर्म है। और पेबल के अंदर एक्चुअली है क्या, वहाँ डाई होती है, डाई जो है वो स्पेसिफिक एनालाइट के लिए, एनालाइट मीन्स जिसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, जिस भी पैरामीटर को हम सेंस करना चाहते हैं उसके लिए वो
उसकी सेंसिटिविटी होगी, उस डाई की सेंसिटिविटी होगी, और एक रेफरेंस डाई होगी। वो रेफरेंस डाई क्या होगा कि एक इनर्ट मैट्रिक्स के अंदर, एक इनर्ट स्पेस के अंदर, जो जिसके अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बायोलॉजिकल चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ होती है। तो उसके बाद क्या है कि जब हम उसको उस बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर लेके जाएंगे, बायोलॉजिकल चेंज जहाँ हो रहे हैं वहाँ लेके जाएंगे, तो वहाँ एक के अंदर, एक तो इनर्ट है, एक के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा यदि वहाँ वो पैरामीटर प्रेजेंट है तो, और यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स उन दोनों का कंपेरिजन करके ये पता लग सकता है कि वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है जिसको हम सेंस करना चाहते हैं। अब ये जो डाइज हैं, ये सेवरल एनालिटिक्स के लिए डेवलप की जा चुकी हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, हमारी बॉडी में कैल्शियम पोटेशियम होते हैं, और भी जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल होते हैं या मिनरल्स होते हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो उनके लिए डेवलप हो चुके हैं। इसके अंदर ये पेबल का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, पेबल के अंदर आयन्स होते हैं, एच प्लस आयन्स होते हैं, ये सब चीज़ इसके एंजाइम्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, देखिए, ये एनालाइट है जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये इंडिकेटर डाई है और ये रेफरेंस डाई है, इससे हम कंपेरिजन करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये यहाँ इनको एक्साइट किया जा रहा है, एक्साइट किससे किया जा रहा है, एक्साइट इनको कोई लाइट डाल के एक्साइट किया जाता है, कोई लाइट डाल के, उसके बाद इनकी फ्लोरोसेंस होती है, फ्लोरोसेंस होती है, तो फ्लोरोसेंस यदि है तो ये डिफरेंट टाइप का, इसका जो कलर है वो रेफरेंस डाई है, ये एक कलर की लाइट छोड़ेगी, और इसका जो जो ये डाई कोई कलर छोड़, फ्लोरोसेंस तो है ही इसके अंदर, ये जो कलर छोड़ेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है इस एनालाइट ने इसको कितना अफेक्ट किया, जितना ये अफेक्ट करेगा या प्रेजेंस है या नहीं है, आप इसमें भी बात कर सकते हैं, तो ये उन दोनों केसेस के लिए डिफरेंट कलर शो करेगा जब इसको एक्साइट किया जाएगा, तो मीन्स इसको किसी कोई लाइट डाल के एक्साइट किया जाता है। ये यहाँ दिखा रखा है कि यहाँ दो टाइप के आयनोफोर्स होते हैं और क्रोमोफोर्स होते हैं, साइलेंट आयनोफोर्स और आयनोफोर्स, और उसके अंदर से एक तो सेंसिटिव होता है और एक सेंसिटिव नहीं होता, एक इनर्ट होता है, और उसके एच प्लस आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन के अंदर कुछ चेंज आता है, तो ये सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड, थोड़ा बायोलॉजिकल कंसेप्ट है इसके अंदर। अब क्या होगा, एक्साइटेशन मैंने कहा था ना, एक एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन किससे होगा, आर्गन लेजर से होगा, और आर्गन लेजर बीम जो है उसका क्या साइज है, 514.5 नैनोमीटर, इस साइज का वो होगा, मीन्स या आप ये कह सकते हो कि 0.5 माइक्रोमीटर का ये सोर्स है, लेजर सोर्स है, इससे इसको एक्साइट किया जाएगा। एक्साइट करने के बाद ये फ्लोरोसेंसिस की होगी, उसको चेक किया जाएगा, उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ इस तरीके, यहाँ चेक करेंगे उसको, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप है, जिस माइक्रोस्कोप से इसको चेक किया जाएगा, उसके बाद जो आउटपुट आएंगे वो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर दे दी जाएंगे। पेबल जो है वो किस काम आता है, ये सब माइक्रोन साइज का है, और जनरली ये किस चीज़ के काम आता है, जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो, या कोई ड्रग्स हैं वो किस लेवल पर, या कोई टॉक्सिन्स हैं, यदि टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी पर जा रहे हैं, या एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप ये देखना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं सेल लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या कई बार कैंसर पेशेंट्स के अंदर चेक करते हैं कि बहुत, जब सेल, किसी सेल पर जो स्टार्ट हो रहा हो इफेक्ट होना कैंसर का, तो उस लेवल पर जब इसको चेक करना हो तो यहाँ पेबल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्मॉल सेंसर साइज, रैपिड मेजरमेंट होती है इससे, डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज के काम आता है, स्टडी अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब बेबी बनता है तो एम्ब्रियो होता है स्टार्टिंग के एक फर्स्ट सेकेंड डे, तो उस टाइम उस एम्ब्रियो को चेक करें, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चेक करने के लिए काम होता है। यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फॉर द इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है वो इसको चेक करने के काम आता है ये पेबल्स। यहाँ मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा, एक बार प्रोफेसर दिलबागी का, दिलबागी हैं हमारे यहाँ, तो उनका लेक्चर मैं अटेंड कर रहा था, बायो नैनो
डिपार्टमेंट में, तो उन्हें स्पेसिफिकली एक लेक्चर दिया था। तो उन्होंने दो एग्जांपल दिए, एक तो उन्होंने एग्जांपल दिया आजकल बायोलॉजिकल नोज डेवलप करने की बात हो रही है, मींस प्रोग्रेस में है। तो बायोलॉजिकल नोजिज क्या है, मींस उसका यूज़ क्या है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं बायो रेनो डिपार्टमेंट के अंदर, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी मैं एक बार पहले ये बात बताता हूँ, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो नोज है, बायोलॉजिकल नोज है, वो क्या करेगी, जब हम एक हेल्दी, जो अपने आप को हेल्दी मानता है, एक ह्यूमन बीइंग जो अपने आप को हेल्दी मानता है, वो उसके अंदर यदि ब्लो करेगा, मीन्स हवा छोड़ेगा उसके अंदर, अपने माउथ से या नोज से हवा छोड़ेगा, तो वो बॉडी के अंदर यदि कोई सेल्स हैं जो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं या उसमें कैंसर स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ सेल लेवल पे कोई इन्फेक्शन है तो उसका उससे पता लग जाएगा। ये इस टाइप की डेवलपमेंट अभी करने की कोशिश की जा रही है, मीन्स दिस इज इन द प्रोसेस प्रोसेस में है ये। और दूसरा उन्होंने एक एग्जांपल और दिया था, एक चीज़ और बताई थी, वो चीज़ तो यूज़ हो रही है। जैसे पहला जो एग्जांपल दिया मैंने, ये तो काफ़ी माइक्रो लेवल पे है, माइक्रो नैनो लेवल पे, तो ये चीज़ तो मैं वो बताया बताया फर्स्ट तो मैंने, वो पेबल का एग्जांपल है, जो एग्जांपल मैंने दिया वो पेबल का एग्जांपल है। वो आपके ब्रीथ से जो चीज़ आ रही है उसको सेंस कर रहा है, किस लेवल पे सेंस कर रहा है, मॉलिक्यूल लेवल पे उसको चेक कर रहा है, ठीक है, वो पेबल का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इससे थोड़ा हटके है, लेकिन एक इंटेलिजेंट सिस्टम की बात बता रहा हूँ, जो आजकल डेवलप किए जा रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे एंडोस्कोपी करते हैं हम, एंडोस्कोपी किस लिए की जाती है, किसी इंसान को यदि स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसोफेगस होता है हमारे जो, इसको थ्रोट का जो हिस्सा होता है, इसोफेगस बोलते हैं, जिसमें खाना नीचे जाता है हमारा, जो भी हम फूड लेते हैं वो नीचे जाता है, यहाँ किसी को इन्फेक्शन हो जाए या स्टमक में इन्फेक्शन हो जाए, तो एंडोस्कोपी करते हैं उसके लिए। एंडोस्कोपी के अंदर एक कैमरा आपके माउथ के अंदर से डाला जाता है और वो आपके थ्रोट को चेक करता है और या आपके स्टमक को चेक करता है, लेकिन उससे आगे उसकी पहुँच नहीं होती, मीन्स स्टमक से आगे वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो फिर कैसे पता लगे कि इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका कैसे पता लगे, तो उसका उन्होंने एग्जांपल दिया जो जी डेवलप हो चुकी है, उसका एक कैप्सूल टाइप का आता है, छोटा कैप्सूल, उसकी मीन्स उसकी उसका साइज आप देखोगे दैट इज हार्डली 2 सेंटीमीटर, उसका साइज 2 सेंटीमीटर बड़ी मुश्किल से है, और उसके अंदर क्या है, एक तो माइक्रोचिप लगी हुई है और एक उसके अंदर लगा हुआ है कैमरा, ठीक है। और वो पानी के साथ पेशेंट को कहते हैं इसके निगल जाओ, स्वेलो कर लो इसको, वो निगल गया, निगलने के बाद वो आप जहाँ से उसने एंट्री की, वो माउथ से उसने पिक्चर बनानी शुरू की, कैमरा ने पिक्चर बनानी शुरू की, और उसके बाद क्या है कि वो हमारे इसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में गया, और स्टमक में जाने के बाद फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और टॉयलेट के साथ वो बाहर आ गया, उसको वॉश करके दोबारा बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स उसको स्टरलाइज करके, वॉश करके नहीं, स्टरलाइज करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो ये डेवलपमेंट है आज के टाइम में, जो डेवलपमेंट है मेडिकल डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं कि साइंस की एडवांसमेंट तो हो ही रही है कि हमें डिफरेंट डिजीज से कैसे हम छूट सकें, या डिजीज यदि कोई आई है तो उससे छुटकारा मिल सके, लेकिन डिजीज़ भी आजकल चेंज होती जा रही है, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होता जा रहा है, हमारा जो फूडिंग हैबिट है, फूड हैबिट्स हैं वो चेंज होती जा रही है, लिविंग हैबिट्स हमारी चेंज होती जा रही है। मैं हॉस्टल में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि 4 स्टूडेंट्स यदि हॉस्टल में बैठे हैं तो वो चारों कॉर्नर में बैठे होंगे, चारों अलग अलग कॉर्नर में बैठे होंगे और अपने मोबाइल पर लगे होंगे, ठीक है, मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे होंगे बस, और कुछ नहीं। तो इस टाइप में हमारी जब हैबिट्स रहेंगी, लिविंग हैबिट्स रहेंगी, तो डिजीज़ तो आएंगी, नई नई डिजीज़ होंगी, ठीक है, हेल्थ के लिए तो इशू है ही है। तो इस टाइप में एडवांसमेंट बहुत है, मैंने आपको लेटेस्ट सेंसर तक बता दिया, लेटेस्ट सेंसर क्या है वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये ट्विन एक्शन नैनो सेंसर, ये क्या है, ये चाइनीज साइंटिस्ट ने डेवलप की है, और इसके अंदर क्या है कि
ये टेम्परेचर और मेटल आयन दोनों के लिए सेंस करते हैं, दोनों को सेंस करते हैं, किसी भी टेम्परेचर के साथ, किसी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जब ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो डिफरेंट कलर देंगे। सेम ऐसा था, देखो ऐसा था ये, और जब ये फेरस के साथ आया, फेरस 3+ के साथ है, मीन्स पॉजिटिव आयन है इसके ऊपर 3+, ये 2+, मतलब जब इन आयंस के साथ ये कांटेक्ट में आया तो इसका यहाँ ये बिहेवियर था, देखो ठीक है, तो इनका कलर ऐसे चेंज हुआ। और इस तरीके से जब टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर ले गए तो डिफरेंट कलर आए। तो ये टेम्परेचर के साथ भी को भी सेंस करता है, और साथ में क्या है कि डिफरेंट मिनरल्स को या डिफरेंट मेटल्स को भी, मेटल्स बोलूँगा मैं, डिफरेंट मेटल्स को भी सेंस करता है। तो यहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी जहाँ आपको इसकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हो। इसकी दो, ये दो क्वालिटीज़ आपको पता लग गई कि ये डिफरेंट मेटल्स के साथ अलग टाइप का कलर देगा, और डिफरेंट वोल्टेज, नहीं सॉरी, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट कलर देगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है इसके, ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। और एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, तो इसकी जो रेंज है, सबसे अच्छी एडवांटेज ये है इसकी, 35 से 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ हो सकते हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर तो 35 से 37-8 तक जाता है, 8 तक जाता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी के साथ तो ये बहुत अच्छे से यूज़ हो ही सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ऑप्टिकल नैनो सेंसर का डीएनए की सीक्वेंस डिटेक्शन के लिए बहुत यूज़ है। आगे जब हम बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, फ्यूचर में मेडिकल कैसा होगा, फ्यूचर में हमारे मेडिसिन का जो स्टडी करते हैं, तो डीएनए बेस्ड बहुत कुछ चेंज होना है अभी, कि डीएनए जो अब वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है वायरस कोविड के लिए, तो उसके अंदर भी तो क्या है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करके तब उसको बनाए बनाने की कोशिश हो रही है, उसका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज करके। तो ह्यूमन के अंदर आपने बीटी कॉटन सुना होगा, उसके अंदर क्या है कि बायोलॉजिकली एक कॉटन है, कॉटन के अंदर एक डिजीज बहुत आती थी, उसके अंदर क्या किया, फिर डिजीज आती थी, उसने क्या किया कि वहाँ बायोलॉजिकली उसको चेंज कर दिया, उस कॉटन के सीड के अंदर या डीएनए के अंदर बायोलॉजिकल चेंज कर दिया, उसके डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अब क्या है कि जो डिजीज आती थी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता वो, मीन्स उसके लिए इम्यूनिटी क्रिएट हो गई उसके अंदर। तो बीटी कॉटन आजकल बोलते हैं कि बीटी कॉटन के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज है वो ह्यूमंस के लिए अभी अलाउड नहीं है, ठीक है, और कॉटन के लिए भी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसको अपोज किया गया कि आप क्यों उसके साथ, जो नेचर ने जो चीज़ दी है उसके साथ क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, ये चीज़ है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है ये चीज़ टॉपिक। हमने जो स्टडी किया, डिफरेंट टाइप के सेंसर यूज़ किए हमने, बहुत वाइड रेंज हमने डिस्कस किया, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया, देर आर मैनी मैनी सेंसर्स, और वो रह गए जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, टाइम की शॉर्टेज है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन आपको एक आइडिया तो ज़रूर मिला होगा कि इस टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर मोर सेंसर्स, आप और सेंसर भी देख सकते हैं कि और कौन कौन से टाइप के सेंसर होते हैं। सेंसर का टॉपिक अब ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्चुएटर्स। तो मैंने आपको बताया था सेंसर जो है वो क्या है, इनपुट पार्ट है, इनपुट सेक्शन है, और एक्चुएटर जो है वो आपके आउटपुट सेक्शन के ऊपर लगते हैं। तो अब के लिए थैंक यू, जय भारत।